नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर आजमगढ़ से है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत साकिन मित्र सेनपुर के रहने वाले हरकेश पियक्कड़ से पूरा गांव परेशान है। न्याय के लिए दर दर भटक रहे दीपक, क्योंकि हरकेश पियक्कड़ दीपक आदि के विरुद्ध फर्जी FIR लिखवाकर हैरान परेशान कर रहा है, जिससे पूरे गाँव में चर्चा बनी हुई है। जिससे दीपक प्रजापति मुख्यमंत्री तक गुहार लगाते हुए इधर उधर ठोकर खाते हुए परेशान। सुनिए दीपक प्रजापति ने क्या कहा। आजमगढ़ से रवि कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। जब पूछेंगे तब बयान देना, पहले अपना परिचय बताइएगा। रुकिए, क्या बताइए? नाम बीना प्रजापति। कहाँ कराने वाली हैं? मित्रसेनपुर। आपका थाना? रानी सराय। आप क्या कहना चाहती हैं? वही सर कि जिस दिन इस सब कांड हुआ उस दिन हमारे पति थे नहीं घर पर। कहाँ गए? वहाँ थे, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। उनका क्या नाम है? उनके बड़े बाबू हैं। क्या नाम उनका? उनका सुनील प्रजापति नाम है। अच्छा, उनको भी इस केस में फंसाया जा रहा है? हाँ, उनको भी फंसाया जा, उन्हीं को तो लगाया जा रहा है। उस दिन वो घटनास्थल पे नहीं थे? नहीं, ये थे ही नहीं वो घर पर। दीपक थे यहाँ पर? कोई बच्चा नहीं था, तो सबको फंसाया जा रहा है। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कह रहे हैं कि वह फंसा रहे हैं हम सबको। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रही हैं बताइए? हम यही कह रहे हैं कि उन सबको सब निर्दोष, इन सबको छोड़ दीजिए। अपना परिचय बताइए। नाम बीना प्रजापति। कहाँ कराने वाली हैं? मित्रसेनपुर। आपका थाना? रानी सराय। आप क्या कहना चाहती हैं? वही सर कि जिस दिन इस सब कांड हुआ उस दिन हमारे पति थे नहीं घर पर। कहाँ गए? वहाँ थे, यूनिवर्सिटी गए हुए थे। उनका क्या नाम? स्कूल के बड़े बाबू हैं। क्या नाम उनका? उनका सुनील प्रजापति नाम है। अच्छा, उनको भी इस केस में फंसाया जा रहा है? हाँ, उनको भी फंसाया जा, उन्हीं को तो लगाया जा रहा है। उस दिन वो घटनास्थल पे नहीं थे? नहीं, ये थे ही नहीं वो घर पर। दीपक थे यहाँ पर? कोई बच्चा नहीं था, तो केवल फंसाया जा रहा है। शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहती हैं? हम यही कह रहे हैं कि वह फंसा रहे हैं हम सबको। तो प्रशासन से आप क्या मांग करना चाह रही हैं बताइए? हम यही कह रहे हैं कि उन सबको सब निर्दोष, इन सबको छोड़ दीजिए, बेकसूर हैं। आपका परिचय? सुषमा प्रजापति। क्या दीपक के साथ जो लगाया गया है मारपीट पे? झूठ है सर, सरासर झूठ है सब। तो क्या दीपक कुछ दिन थे यहाँ पर गांव में? कहाँ पर थे? अपने ननियाल गए थे। तो दीपक को फंसाया जा रहा है इसमें? बस बिल्कुल फंसाया जा रहा है। वही नहीं, मोहल्ले में जितना लोग हम लोग स्वादिष्ट हैं सबको फंसाया जा रहा है। उन्हीं को नहीं, हर बात बात ये सब उठना खोज रहे थे। चे दीजिए। प्रेमशीला प्रजापति। तो क्या ये जो दीपक को बताया जा रहा है कि ये हरकेश जी को मारे थे, क्या ये झूठ है? वो दारू बहुत पीते हैं, दारू पी के पार्टी करते हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पीते हैं, और रास्ते में 12 बजे गाड़ी से आते हैं, वो कहीं गिरे हैं, इन लोगों को फंसाने के लिए सब लोग कर रहे हैं। जिस दिन उनको मारा गया है हरकेश जी को, क्या ये दीपक यहाँ मौजूद थे? नहीं थे, ये अपने नानी के घर गए थे। लोग ये मतलब कि पढ़ते लिखते हैं, कहीं जाते हैं, मतलब कि पढ़ने लिखने के अलावा कुछ करते नहीं है, और झूठी जब फंसाया जा रहा है तो प्रशासन के लिए मतलब किया जाए, यही कहना चाहूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं स्पष्ट रूप से बताइए मुझे। इनको सर झूठी फंसाया गया है। झूठी फंसाया गया? हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम धीरेंद्र प्रजापति है। एड्रेस? एड्रेस मित्रसेनपुर।